सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रहस्य ज्ञान और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसने दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाई है और इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए देश विदेश से हर रोज लाखों सैलानी यहाँ आते हैं और इसका दीदार करते हैं। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो ताजमहल से जुड़ी हैं और लोग इसे अनजान हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़ी उन्हीं अनसुने रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 कारीगरों की एक टीम ने दिन रात यहां काम किया था। ताजमहल का मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हम सोचते हैं कि यह दुनिया की सबसे सुंदर इमारत है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। ताजमहल के मुख्य हॉल की छत में एक छेद है जो शाहजहां की एक उत्कृष्ट रचना बनाने का सपना तोड़ने का काम करता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ताजमहल पर मुल्तानी मिट्टी का लेप चढ़ाया गया है ताकि इसकी सुंदरता पर कोई असर ना पड़े। हिंदुओं के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महल, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसके नाम में महल आए। महल मुस्लिम शब्द नहीं है। ऐसी भी और कई बातें हैं जो शिव मंदिर होने की बात को सत्य की ओर बढ़ावा देती हैं। ताजमहल का रंग दिन में सफेद, शाम को सुनहरा और सुबह गुलाबी दिखाई देता है। ताजमहल हर बार अलग अलग रंगों का प्रतीत होता है, तो कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रंगों के बदलते पैटर्न से एक महिला के विभिन्न मूड को दर्शाया गया है। आपको शायद अजीब लगे, ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो कि यमुना नदी से मिलती रहती है। ताजमहल को बनाने के लिए 8 देशों से सामग्री लाई गई। ताजमहल के सभी फव्वारे बिना बिजली के एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक ही साथ पानी भी छोड़ देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही रहस्यमयी और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।